कलयुग के श्री राम हिंदुस्तान की रग रग में बसे हुए हैं। वो हजारों साल से करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में हैं। उनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र में दुनिया अपनी मौजूदा चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी खोजती रही है। आदर्श शासन व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में राम राज्य की मिसाल दी जाती है। बदलते समय के साथ राम राज्य की परिभाषा भी बदलती रही है। महर्षि वाल्मीकि को श्री राम का समकालीन माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम के राज्य में लोग बहुत खुशहाल थे, भय का नामो निशान नहीं था, चारों ओर खुशहाली थी, सबकी बात सुनी जाती थी। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर आदमी को भय और भूख से आजादी थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य का जिक्र करते हुए कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करी है परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर नीरत श्रुति नीति। मतलब राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। तुलसीदास ने एक ऐसे राम राज्य की तस्वीर पेश की है जिसमें किसी को कोई रोग व्याधि नहीं थी, न ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न ही किसी को भी आर्थिक संकट था। जबकि आज दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा दैहिक दैविक और भौतिक परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में राम राज्य जैसी आदर्श शासन व्यवस्था की बात फिर से जोर शोर से उठने लगी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की राम राज्य में हजारों साल से दिलचस्पी रही है। पूरी दुनिया उस शासन प्रणाली के बारे में सोचती है, कल्पना करती है, जिसमें किसी को किसी से भय नहीं था, जिसमें कोई बीमार नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी खुशी खुशी अपना काम करते थे, किसी को किसी से शिकायत नहीं। राम राज्य में हर नागरिक सद्गुणों से भरा हुआ था। समाज में जो लोग हैं, जो उनके जो कर्तव्य हैं, वो अपने सारे कर्तव्य करते हैं। वर्णों में विभक्त समाज है राम राज का, लेकिन किसी भी एक वर्ण का दूसरे वर्ण से कोई वैर नहीं है। वो एक तरह का श्रम विभाजन है, और जैसे सब लोग अपना काम करते करते सब सुखी हैं, किसी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो ये समाज है। और अंतिम इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एक कृतज्ञता का बोध उस समाज के लोगों के बीच है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि राजा भी नियम कायदे से बंधे हुए थे, राजा के अधिकार और जिम्मेदारियां तय थी, और राम ने इसे खुद पर भी लागू किया। मतलब वाल्मीकि ने जिस राम राज्य का जिक्र किया है उसमें आदर्श लोकतंत्र का हर गुण मौजूद था। तो गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य को एक ऐसी शासन व्यवस्था बताते हैं जिसमें शारीरिक मानसिक और सांसारिक तीनों ही दुख नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में ऐसे ही राम राज्य की कल्पना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी ऐसे ही राम राज्य की कल्पना की है, जहां राजा और प्रजा के संबंध एक दूसरे के साथ सहोदरत्व के हों, जहां सबके बीच में आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो। ऐसे आदर्श राम राज्य के लिए हम सभी लोग तरसते हैं और उसकी कल्पना करते हैं। तुलसीदास ने राम राज्य की जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी, उसमें राम के राजा बनने के बाद समाज में ऊंच नीच का भेद मिट गया। पशु पक्षी सब ने स्वाभाविक दुश्मनी भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। दरअसल साहित्यिक अलंकार के जरिए तुलसीदास का राम राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था था जिसमें हर नागरिक अनुशासित था। एक ऐसा समाज
जो जहाँ जो लोग धनाढ्य हैं, जो जिन लोगों के पास अतिरिक्त जो है संसाधन है, वे समाज के वंचित तबके के लिए जो है ये सुनिश्चित करें कि उनके पास घर हो, उनके बच्चों की शिक्षा हो, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो और समाज में एक सामंजस्य और सौहार्द का माहौल रहे। समय चक्र के साथ राम राज्य की कल्पना नया आकार लेती रही है। इसे एक ऐसे सपने की तरह देखा और इस्तेमाल किया गया है जिसमें जीने की ख्वाहिश हर इंसान की रही है।